आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जो हमारे घरों तरफ जो DTR लगी होती है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसी का आज पूरी डिटेल देखेंगे। इसमें कौन से पार्ट्स पुर्जे इलेक्ट्रिकल के लगे होते हैं और क्या क्या काम है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा जिसके जरिए आप एक अच्छी नॉलेज ले सके दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सब स्टेशन से जो 11 kV की वायर आती है वो सबसे पहले ये डिस्क इंसुलेटर में आती है और ये डिस्क इंसुलेटर का जो डाइलेक्ट्रिक स्टेंट है वो होती है 11000 वोल्टेज की। अगर आपको अगर ये देखिए यहाँ पे एक डिस्क इंसुलेटर दिख रहा है तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 11 kV की वोल्टेज यहाँ पे है। अगर ये तीन लगा रहेगा तो समझ लीजिए 33000 वोल्टेज है। तो आप अपने घर तरफ देख करके आसानी से इस माध्यम से पहचान सकते हैं कि अगर एक एक डिस्क इंसुलेटर लगा हुआ है तो 11 kV की सप्लाई है, अगर तीन तीन लगा रहेगा तो ये सिंपली 33 kV की लाइन होगी। तो यहाँ पे एक एक लगा हुआ है तो ये सिंपली 11 kV की सप्लाई आ रही है यहाँ पे। और 11 kV की जो सप्लाई यहाँ पे सबसे पहले इस डिस्क इंसुलेटर में होल्ड किया थे ताकि ये पोल से कहीं टच ना रहे, ये पोल से कहीं टच ना हो जाए। और उसके बाद डायरेक्ट जाता है लाइटिंग अरेस्टर। आपको जो छोटा छोटा तीन दिख रहा है ये लाइटिंग अरेस्टर है, ये ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि जब कभी आकाशीय बिजली गिरती है ट्रांसफार्मर में, जो आकाशीय बिजली जो गिरती है वायर में वो अगर इस ट्रांसफार्मर तक पहुँच जाए तो ये ट्रांसफार्मर को पूरी तरह से जला देगी और ज़्यादा कंडीशन में बॉडी फट भी जाती है। तो इस सेफ्टी के लिए यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर लगा होता है। तो लाइटिंग अरेस्टर का कनेक्शन होता है, ये तीनों का एक एक वायर लाइटिंग अरेस्टर में जाता है और लाइटिंग अरेस्टर का जो दूसरा टर्मिनल होता है वो सीधे ज़मीन में अर्थ किया जाता है। और उसके बाद जो लाइन है वो सीधे आता है AB स्विच में। AB स्विच ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस का कार्य के लिए लगाया जाता है ताकि जब कभी ट्रांसफार्मर में कुछ खराबी हो, जनरली जो छोटे छोटे फॉल्ट होती है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर AB स्विच लगा होता है। ये जो आपको तीन को यहाँ दिख रहा है ये AB स्विच है और इसका हैंडल यहाँ पे नीचे आता है और नीचे से ये कटता है। आपको ये जो दिख रहा है ये हैंडल ये नीचे से कटता है और उसके बाद डायरेक्ट आता है ये DO फ्यूज़ में। ये ड्रॉप आउट फ्यूज़ है, आपके घर तरफ आप ज़रूर देखिएगा, ये DO फ्यूज़ यानी कि ड्रॉप आउट फ्यूज़ है। और एक और जो 11 kV की जो सप्लाई होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो लगी होती है वो एक और होता है फ्यूज़, वो होता है हॉर्न गैप फ्यूज़, कुछ इस प्रकार होती है। तो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा अपने घर तक DTR में कि कौन सा आपके घर तरफ फ्यूज़ लगा हुआ है, हॉर्न गैप फ्यूज़ लगा या तो फिर ड्रॉप आउट फ्यूज़ लगा हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ये ड्रॉप आउट फ्यूज़ है और जो ये फ्यूज़ होते हैं ये भी सेफ्टी के लिए होती है, जब कभी ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो तो ये फ्यूज़ जल जाए, ट्रांसफार्मर जलने से बच जाती है। और उसके बाद लाइन डायरेक्ट आ जाता है जो ट्रांसफार्मर के जो HT साइड होती है, HT साइड में जो बूसिंग होती है ट्रांसफार्मर का उसमें आ जाता है। और फिर ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के जरिए स्टेप डाउन करता है 11 kV से 440 और न्यूट्रल के साथ 220 वोल्ट, जिसके जरिए हमारे घर तक सप्लाई जाती है। सप्लाई जाने से पहले आपके घर तरफ आप जरूर देखिएगा नीचे यहाँ पे एक LDDB बॉक्स लगा रहता है जिसमें MCB MCCB सर्किट ब्रेकर HRC फ्यूज़ वगैरह लगा रहता है ताकि सेफ्टी के लिए। यहाँ पर नहीं लगा हुआ क्योंकि ये एक प्राइवेट ट्रांसफार्मर है, एक बिल्डिंग का ट्रांसफार्मर है इसलिए यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो LT साइड है, ये जो LT साइड है ये जो LT साइड है यहाँ पे एक केबल के माध्यम से डायरेक्ट एक जो बिल्डिंग में चली गई। फॉर्मर के जो दो पोल के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 3 मीटर की दूरी होती है। ज़मीन से और ट्रांसफार्मर के बेस के बीच की जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो भी लगभग 3 मीटर होती है और जो जो पूरी पोल होती है एक ये लगभग 10 मीटर की पोल होती है। तो अगर फिट में अगर पूरी कैलकुलेशन करें तो ये लगभग 30 फीट की आएगी और जो लंबाई जो है ग्राउंड क्लियरेंस ये 10 फीट की लगभग आएगी और ये चौड़ाई है ये भी 10 फीट की लगभग आएगी। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों इलेक्ट्रिकल से जुड़ी नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।